हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। और हमने ऑलरेडी कोल और पेट्रोलियम जो हमारा चैप्टर था वो स्टार्ट कर दिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि जो पेट्रोलियम होता है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं और नेचुरल गैस से बनते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और साथ में जो आपके फाइबर्स, पॉलिएस्टर होते हैं, ये सब भी उससे बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो नेचुरल गैस से ऑब्टेन होती है, फर्टिलाइज़र यूरिया। और इसकी इतनी सारी एक इम्पॉर्टेंस होती है पेट्रोलियम की, ये ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था जब पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे मटेरियल्स जैसे ये बताया है लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब अलग किए जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। साथ ही साथ हमने पेट्रोलियम में ये भी पढ़ा था कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम में ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो फाउंड होता है वो बहुत थिक लिक्विड होता है और ये रॉक ऑयल होता है। पेट्रो मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। उसके बाद फिर पेट्रोलियम में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स होते हैं सी में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो क्या होता है, उनका बॉडी सी में डाउन में सेटल हो जाती है और फिर उसमें बहुत सारी लेयर ऑफ सैंड और क्ले हो जाता है। फिर बहुत समय बाद जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो होता है, तो जो डेड ऑर्गेनिज्म होता है ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कोल, कोक और कोल तार के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। कोल तार क्या होता है, वो ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है। कोक क्या होता है, टफ पेरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है। कोल गैस, जब कोल कोक बनाने के लिए बनाते समय एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कोल गैस कहते हैं। ठीक है, और ये कम से कम 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। क्या बोलता है, और साथ ही साथ मैं अगर आपको और पीछे ले जाऊँ तो मैंने आपको इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस के भी बताया था। स्टोरी ऑफ कोल में मैंने आपको बताया था अर्थ का 2 मिलियन पहले फॉरेस्ट थे, कितने सारे वो थे, फ्लड हुआ, कुछ हुआ, तो जो आपके फॉरेस्ट नीचे गिर रहे थे वो क्या हो गए थे, कंप्रेस्ड हो गए थे, डीकम्पोज हो गए थे। अब कोई भी वेजिटेशन से जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसको डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है राइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो कोल भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, साथ ही साथ आपके एक्टिविटी भी थी, ये कोल के बारे में तो आप जानते ही हैं, हार्ड स्टोन होता है ब्लैक कलर का। इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया था, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, नेचर में ख़त्म हो सकते हैं अगर ज़्यादा केयरफुली यूज़ नहीं किए। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जिसमें आपका क्या होता है, वो अनलिमिटेड होते हैं नेचर में। ठीक है, तो फटाफट 3 मिनट में हमने ये सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। ठीक है, अब हम फटाफट जाते हैं अपना नेचुरल गैस में जो हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि वो बहुत ईजी होता है उसको पाइप से ट्रांसपोर्ट करने में। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। जो नेचुरल गैस होती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल है तो ऑब्वियसली वो डेड रिमेन्स और एनिमल्स से बना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाती है पाइप से। नेचुरल गैस बहुत प्रेशर में स्टोर की जाती है और इसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। CNG पावर जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है। इट नाउ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। वो आजकल व्हीकल्स में भी आपने सुना होगा ना, CNG वाले कार, CNG वाली स्कूटर, ये सब आपका आजकल व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, यानी कि उससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स। वो डायरेक्टली यूज़ की जाती है फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, और पाइप से इजीली सप्लाई भी की जाती है। सच नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। वडोदरा गुजरात में CNG की पाइपलाइंस होती हैं।
सम पार्ट्स ऑफ डेली और भी जगहों में, ठीक है। द नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टारिंग मटीरियल फॉर द मैनुफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल गैस स्टारिंग मटीरियल है किसके लिए? मैनुफैक्चर स्टार्टिंग मटीरियल यानी कि बहुत अच्छा मटीरियल होता है मैनुफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स, आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए। इंडिया हैज़ अ वास्ट नेट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास क्या है? बहुत सारा मतलब बड़ा रिजर्व है नेचुरल गैस का, मतलब बहुत सारी नेचुरल गैस है। इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में फाउंड की जाती है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये सारी जगह में आपकी नेचुरल गैस फाइंड होती है। भूजो कुछ पूछ रहा है, भूजो और पहली की कॉन्वर्जेशंस जो आप हो स्टूडेंट्स आपको हमेशा पढ़नी है ताकि क्या हो एग्ज़ाम में जो भी वाई वाले क्वेश्चंस आए ना गिव रीजंस में वो फटाफट सॉल्व कर लो, ठीक है। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? हाँ, लेबोरेटरी में भी हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं यह आपको कौन बताएगी? पहली बताएगी, ठीक है। आप लोग मेरा हाँ सुन के सोच रहे होंगे कि मैं सच में हाँ कह दिया, ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अपना माइंड भी चलाना है कि ऐसा सच में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नो, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी लो प्रोसेस एंड द कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। उनकी फॉर्मेशन लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं की जाती है, ठीक है। ये आपको आंसर याद करना है, नो देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, उनकी फॉर्मेशन बहुत स्लो है। आपने देखा होगा ना कितना टाइम लग जाता है चीज़ों को डीकम्पोज होने में, राइट। एंड कंडीशन फॉर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी में, उसको 10-15 साल तक थोड़ा रखे रहेंगे हम, है ना, उससे भी ज़्यादा कई बातों, ठीक है सब ना। अब आप लोग में से सोच रहे होंगे कि मैम सीधा आगे बढ़ गई, उन्होंने हमें वेरियस कंटेंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस तो पढ़ाया नहीं। मैंने सोचा कि अब नेचुरल गैस शुरू कर ही दिया है सो आई शुड गो फॉर हेड और मेरे को ख़त्म कर देना चाहिए, तो मैंने अभी कर दिया है। तो फटाफट मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्या क्या पेट्रोलियम से मिलता है और हम उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म LPG, तो LPG क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए क्या किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? आपने देखा होगा घर में LPG के सिलेंडर्स आते हैं, राइट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। होम में यूज़ किए जाते हैं, किचन में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किचन में यूज़ किया जाता है फ्यूल। अब आता है हमारा पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पेट्रोल होता है मोटर फ्यूल, मोटर फ्यूल, ठीक है, मोटर फ्यूल हो गया, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग में भी आपका जो पेट्रोल है वो लिया जाता है। केरोसिन, केरोसिन क्या हो गया? फ्यूल फॉर स्टोव्स। और ज़्यादातर जब आप किचन में काम वाम करते हैं ना तो उसमें केरोसिन ही यूज़ किया जाता है, लेकिन LPG के सिलेंडर, लेकिन लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लैम्प्स आपने देखा होगा वो भी केरोसिन डला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदा होता है केरोसिन, फायर को जल्दी पकड़ लेते हैं ये सब चीज़ें। एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, ठीक है, डीजल आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियों में डलता है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी आपका डीजल यूज़ किया जाता है। अब आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में ये यूज़ किया जाता है। फिर आता है पैराफिन वैक्स, आपका ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वेस्ट लाइन्स, इन सब में आपका पैराफिन वैक्स बहुत नेसेसरी होता है, कैंडल्स में तो आप देखते ही हो, है ना। बिटुमिन पेंट्स, बिटुमिन तो पेंट्स में डलता है, आपने देखा होगा ना इससे गंदी सी स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ दिस बिटुमिन ओनली। रोड सरफेसिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था ना। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये सब एग्जॉस्टेबल हैं, क्योंकि अगर इनको हम लोग केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो नेचर में कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे। और इन रिसोर्सेज को हम एक और नाम दे सकते हैं जिनको हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अगर आपने क्लास 8 के स्टूडेंट्स ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर भी थोड़ा बहुत उसी में बेस्ड है। अगर आप वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना रिसोर्सेज, तो आपको और अच्छे से जो चैप्टर है और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ गो अहेड, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए ज्योग्राफी की, जिसमें हमने रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। तो अब है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब। अब फिर डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत सारा टाइम लेता है रीजनरेट होने के लिए, यानी कि एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको रीजनरेट यानी कि फिर से बनने में बहुत टाइम लगता है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल क्यों है? क्योंकि वो डेड रिमेन से बन रहे हैं, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बन रहे हैं। इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दीज फ्यूल्स। ये तो है कि इनको फिर बहुत साल लगते हैं ये फ्यूल्स में ट्रांसफर होने के लिए। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। यानी कि जो ये रिजर्व है अभी बचे हैं, ये सिर्फ 100 ईयर्स तक ही चल सकते हैं, उससे ज़्यादा तक ये नहीं पहुँच पाते, जो आपका पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल ये सब। और फिर इनको कितना टाइम लगता है रीजनरेट होने में? बहुत ज़्यादा। आपने देखा ना पेट्रोलियम आपका कैसे बनता है? जो आपके सी होती है उसमें जो एनिमल्स होते हैं मरते हैं, वो नीचे बॉटम में सेटल होते हैं, फिर उनको इतना टाइम लगता है डीकम्पोज होने में। बहुत लंबी प्रोसेस है, राइट। तो अब आते हैं यहाँ पे, मोर ओवर द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। मैंने आपसे कहा था केरोसिन, पेट्रोल ये सब बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, और इनका जो बर्निंग होती है ना वो बहुत गंदी होती है, वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी कॉज करती है। दे यूज़ इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि गर्मी के सीज़न है फिर भी इतनी ठंडी हो रही है, राइट। और विंटर सीज़न है इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है विंटर सीज़न, समर सीज़न में तो हद से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये सब है क्या? ये सब ग्लोबल वार्मिंग ही तो है। ग्लोबल वार्मिंग में डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 7th में ज्योग्राफी में आई थिंक पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा देती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके बारे में डिटेल में भी कभी आपके लिए वीडियो अवेलेबल होगा, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नीडेड। हमें ये फ्यूल्स बहुत ही केयरफुली यूज़ करने चाहिए, अननेसेसरी हमें ये फ्यूल्स नहीं यूज़ करना चाहिए। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज। कभी कभी क्या होता है ना, आपकी मम्मी गैस में चढ़ा देती है कुछ चीज़ और निकाल दिए वो चीज़, लेकिन फिर भी गैस चली हुई है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे आपकी जो LPG होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो बहुत वेस्ट होती है, ओके। नाउ दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट इफ अगर आप अच्छी तरह यूज करेंगे। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और साथ में एंड देयर अवेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, यानी कि पेट्रोलियम, PCRA की फुल फॉर्म क्या होती है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी कि उसे सेव करना, रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग में भी कभी कभी क्या होता है, आपके पापा आ गए जैसे अंदर, या आपकी मम्मा आई, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंजन खोल रखा है, आपका पेट्रोल कंटिन्यूसली वेस्ट होते जा रहा है, राइट, ठीक है। वाइल ड्राइविंग टिप्स देख लेते हैं फटाफट। ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट मॉडरेट स्पीड एस वार, अगर ज़्यादा तेज स्पीड में चलाएंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट जैसे रेड है तो क्या है, इंजन तो फिर भी चला हुआ है, नहीं, आपको उस समय बंद करना है। इंश्योर करेक्ट टाइप प्रेशर,
टायर प्रेशर, टायर में जितना प्रेशर एयर है वो भी आपको अच्छी तरह मेंटेन करनी है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी कि उसकी रोज मेंटेनेंस, वो ठीक ठाक उसकी सर्विसिंग कराना, ये आपको हमेशा करना चाहिए। इसके कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स डियर स्टूडेंट्स मैं लेके आऊँगी आपके लिए कल, तो आपको अच्छी तरह मैं पहले कीवर्ड्स बता देती हूँ, क्योंकि कीवर्ड्स तो यहीं पर हैं, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस जो हैं वो मैं आपके लिए कल वाले दूसरे वीडियो में ले आऊँगी, ठीक है। कोल क्या होता है? कोल इज़ अ ब्लैक कलर सब्सटेंस विच इज़ वेरी हार्ड and it is obviously black in color and it is made from dead remains of living organisms like forest etc. ठीक है, अब आ जाते हैं कोल गैस में। कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज अ गैस विच इज मेड व्हेन वी मेक कोक। कोक की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी। कोक क्या होता है? एक टफ ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर कोक में आ जाता है, कोक इज अ ब्लैक कलर tough substance which is made for with the coal on. और फिर fossil fuel में आते हैं। fossil fuel क्या है? fossil fuel is the dead anything which is made from dead remains of living organism, it is called fossil fuel. natural gas, natural gas is something which is produced by nature only or drawn by nature only. petroleum is what? petroleum आपका क्या है? पेट्रोलियम इज वॉट? आपको पता है पेट्रोलियम क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था। पेट्रोलियम इज़ अ रॉक ऑयल विच इज़ ऑब्वियसली फॉर्म विद बाय द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सी ऑल्सो एंड आउटसाइड ऑफ द नेचर ऑल्सो, ठीक है। देन पेट्रोलियम रिफाइनरी, वेन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन पेट्रोलियम इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी, ओके। अब आते हैं वॉट यू हैव लर्न। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, यानी कि ख़त्म हो सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक है नेचर में। कोक, कोल टार एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफीन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम, ठीक है। देन वी आर हैविंग कोल, पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिसाइसली। जुडिसाइसली का मतलब क्या हुआ? यानी कि अच्छी तरह केयरफुली उन्हें यूज़ करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइजेस ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कर लाऊंगी, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि आप क्वेश्चंस में देख ही पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम ऐसे ही एडुकेशन के वीडियो आप सबके लिए लाते रहें। आप सबको अगर इन शॉर्ट इसका पूरी समरी चाहिए तो आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे सिर्फ ऑल अबाउट एनसीईआरटी में ही। तो आपको हमारे चैनल को क्या करना है? बस सब्सक्राइब करना है ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हम आपके लिए और वीडियोज़ लाएँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।